राजमहल टीवी दे प्रोग्राम नजरिया विच तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ बलजीत सिंह। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। प्यारे दर्शकों, जे बीते समय विच नज़र मारीए तो आपनूं याद होवेगा कि पंजाब की इस धरती तो किसान अंदोलन का आरंभ होया सी। हौली हौली ये हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, करनाटक, तमिलनाडु, पछमी बंगाल आदि सूबों में पैर पसारन लग पिया। इस दौरान लखां की गिनती में जिहड़े किसान सन वह दिल्ली के बार्डर से जाके बैठ गए, जिन्हां दे विच सिंघू बार्डर, टिकरी बार्डर ते गाजीपुर बार्डर शामिल ने। अजे भी उत्थे किसान ने जिहड़े उह डेरा जमा के बैठे हुए ने। इस दौरान शहीदां दीआं बरसियां मनाईआं गईआं, भुख हड़तालां रखीआं गईआं, टोल प्लाजे घेरे गए और हुण भी बंद ने। इस सारी कशमकश दे विच 10 महीनों तो वध समय दे विच जे मुलांकण करिए तां की हासिल होया। गौरतलब है कि बीती कल भारत बंद का ऐलान किया गया सी किसान जथेबंदियों वालों, जिसनों उत्तर तो दक्षण तक व्यापक हुंगारा मिलिया और किसान आगुआ ने इसनों बहुत वड्डी जित करार दिता। उन्होंने कहा कि असी सरकार नूं हिला के रख दिता, बहुत सारिया गड्डियां सी जिहड़ियां वो रद्द कर दित्तियां गईयां। आवाजाई पंजाब हरियाणा दे विच खास करके बिल्कुल ठप हो गई, सारे बाजार बंद हो गए, एक तरह नाल सुन सरां पसर गई। पर जे वेख्या जावे तो प्राप्ति की है? प्राप्ति की यही है कि यह कहा जाए कि असी सरकार हिला के रख दिती। 10 महीनों की इस कशमकश चों निकलिया की है? हुण श्री राकेश टिकैत, जो कि संयुक्त किसान मोर्चे के सब तो वड्डे आगू ने, उन्होंने कहा कि असी सरकार नाल गलबात लई तैयार हाँ। यह भी गल समय तो बाहर है कि हुण श्री राकेश टिकैत जी फिर क्यों लिलकड़ियां कढ़न लग पए ने, जबकि 11 गेड़ां की गलबात दे विचों किसान जथेबंदियों नूं या किसानी संघर्ष नूं चुनचना भी नहीं मिलिया और सरकार ने हर गलबात दे गेड़ तो बाद यह वाजे कर दिता सी कि जो मर्जी कर लवो, भावें 20 वारी गलबात कर लवो, जदों चाहो कर लवो, असी गलबात लई तैयार हाँ। पर जे तुसी इह सोचदे हो कि खेती कानून रद्द होणगे तां इह रद्द नहीं होणगे। दूसरी गल यह है कि बीती कल जिहड़ा भारत बंद का सद्दा दिता गया सी, उस नाल की हासिल होया? भावें किसानां ने बड़ा मतलब जश्न मनाया कि यह बहुत सफल बंद सी, लेकिन जिहड़े लोग सवेरे घरों तुरे सन अपनी मंजिल ते पहुँचण वास्ते जरूरी कम्मां वास्ते, वो राहां दे विच रह गए और कई घंटे खुआर हुंदे रहे। किन्नियां गड्डियां सी, मुसाफर गड्डियां जिहड़ियां वो रद्द कर दित्तियां गईयां, आवाजाई बिल्कुल ठप होण कारण जिन्हां ने अपनी मंजिल ते पहुँचना सी वो राहां च खुआर हुंदे रहे। सो इस नाल इक पासे तां किसान खुश ने और दूजे पासे वो लोग जिहड़े कि अपनी मंजिल ते ना पहुँच सके और हो सकता कि हुण भी उस स्टेशनां दे गड्डियां दी उड़ीक विच बैठे होण, उन्हां ने कोई दुआ नहीं दित्ती इस किसान अंदोलन नूं। बाकी रही गल जिहड़े रेहड़ियां फड़ियां वाले सी, रिक्शियां वाले सी, आटो रिक्शियां वाले सी, जिहड़े कि अपनी रोज़ दिहाड़ी कमा के घर का गुजारा करते हैं, उन्होंने भी कोई इस बंद नूं चंगा नहीं समझिया। जे तुसीं लोकां नूं ही तंग करना है और तुसीं इह समझना है कि सरकार का करोड़ों रुपए का नुकसान होगा तो सानूं खुशी होगी, तो जिहड़ी सरकार है वह तुहाडे सिर तो ही यह पैसा उगराहेगी। डीजल एक बार फिर वधा दिता गया, उसकी कीमत फिर वध गई है। इस तरह फिर पेट्रोल दी कीमतां वध जाणगियां, रसोई गैस दी कीमतां वधा दित्तियां जाणगियां, महंगाई पहले ही चरम सीमा ते होर वध जाएगी, तो हासिल की होगा? गल यह है कि इन्नी देर तो, यानी 10 महीनों के तो भी वध समय तो किसान ने जिहड़े वो दिल्ली दीआं सरहद्दां ते डेरा लाई बैठे ने। श्री नरेंद्र मोदी जो कि देश के प्रधानमंत्री ने, यह हुण जदों अपनी अमरीका फेरी ते गए सी तां उत्थे इन्हां दा बहुत विरोध होया, जिधर नूं वी उह किते गए उन्हां दे काफलियां नूं रोकिया गया और वड्डी गिणती विच पंजाबियों ने, खासकर प्रवासी भारतीयों ने जिहड़े किसानां दे हमदर्द सन, उन्हां ने बड़ा हू हल्ला मचाया। उत्थे जा के तां तुसीं घेरदे हो पर दिल्ली विच दाखल होण दा तुहाडा जेरा नहीं। हैरानी दी गल तां इह है कि मोदी जी नूं तुसीं अमरीका च घेर रहे हो, पर जिथे मोदी जी नूं घेरना है उत्थे क्यों नहीं घेर रहे? उदों फिर किसान जथेबंदियां दीआं या वह जिहड़े लखां दी गिणती विच किसान बार्डर ते बैठे ने, उन्हां दीआं लत्तां क्यों कंबण लग जांदियां ने? असीं बहुत वारी यह गल कही है कि जब तक दिल्ली दीआं गलियां बाजारां विच इस संघर्ष की गूंज नहीं पएगी और इत्थे हकूमत नूं घेरिया नहीं जाएगा तो हथ पले कुछ नहीं पवेगा। तुसीं इस बारे की कहना चाहोगे? ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक ते जिहड़े लिंक्स हेठां डिस्प्ले हो रहे हैं उन्हां ते साडे नाल सांझ पाओ और राजमहल टीवी दे यूट्यूब चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करो।